इस दिन यानी सकट चौथ वाले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, गणेश जी की पूजा की जाती है और चंद्रमा का दर्शन किया जाता है। सकट चौथ की पूजा के समय सकट चौथ का व्रत कथा का श्रवण करना जरूरी होता है। इसके श्रवण के बिना व्रत का फल नहीं मिलता है और व्रत भी पूरा नहीं होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। व्रत कथा का श्रवण करने से ही व्रत के महत्व का पता चलता है। आइए जानते हैं कि सकट चौथ की व्रत कथा क्या है और गणेश जी की पूजा की महिमा क्या है। वैसे तो सकट चौथ यानी संकट चतुर्थी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। आज आपको सकट चौथ पर तिलकुट से संबंधित गणेश जी की एक कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ दानियात नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई, वहां वो पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ थी। साहूकारनी के पड़ोसन ने सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया, आज सकट चौथ का व्रत है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा कि गणेश जी कृपा से व्यक्ति को पुत्र धन धान्य सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि वो माँ बनती है तो सवा शेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत रखेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी, वो गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई, उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो ढाई शेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से पुत्र हुआ तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वो सवा पांच शेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया, लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। जब उसके लड़के का विवाह हो रहा था तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे, वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दूर्वा लाने जंगल गई थी। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डर गईं और भागकर घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना माँ को बताई, तब वे सब उसी पेड़ के पास पहुंचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसने वहां बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने का और सकट व्रत रखने का वचन दिया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं, उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाएगा तो ढाई मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया, लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। इसके बाद साहूकारनी ने ढाई मन का तिलकुट किया
और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ, आपकी कृपा से ही उसकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकटौत का व्रत रहूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से होने लगा। बोलिए सकट देव महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय।